दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इटालियन कुजीन से व्हाइट सॉस पास्ता। इसकी स्पेशलिटी है ये चीज सॉस के साथ बना है। बच्चों का ये फेवरेट है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी व्हाइट सॉस पास्ता। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ मीरा आपका स्वागत करती हूँ व्यंजन चैनल पर। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की माउथ वाटरिंग रेसिपी क्रीम स्टाइल चीज़ व्हाइट सॉस पास्ता। ये है आज के इंग्रेडिएंट्स। पास्ता, मैंने पेने पास्ता लिया है इस टाइप से। ये उबालने में इजी होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। इसे मैंने पानी में एक टेबलस्पून ऑयल और हाफ टी स्पून नमक के साथ उबाला है। ये है मलाई, या फिर अमूल क्रीम भी ले सकते हो। मोटे कटे प्याज, मोटी कटी शिमला मिर्च, शहद, अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप थोड़ी चीनी ले सकते हो, विनेगर, वाइट पेपर जिसे हम हिंदी में दखनी मिर्च कहते हैं, नमक, मिल्क, ये मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया हुआ है, मैदा, ऑरिगेनो, बेजिल, बटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिक्स हर्ब्स, काली मिर्च पाउडर और ये प्रोसेस चीज़। सबसे पहले हम बटर डालेंगे। आप येलो बटर या वाइट बटर, कोई सा भी बटर आप ले सकते हो। थोड़ा मेल्ट होने देंगे। अब हम डालेंगे इसमें मैदा। लगभग हम 1 से 2 मिनट तक इसे रोस्ट कर लेंगे। हमें इसे कुक करते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। अब हमने हीट को बिल्कुल स्लो कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर। इसे अच्छे से चला लेंगे। साथ में डालेंगे हम सॉल्ट। अब हम इसके साथ डालेंगे मिल्क। अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए। हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बेसिल, ऑरिगेनो, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगातार स्टर करते रहेंगे वरना ये बॉटम में लगना शुरू हो जाएगा। साथ ही डालेंगे हम इसमें चीज़, क्योंकि हम ये चीज़ ही सॉस बना रहे हैं वाइट पास्ता के लिए, तो चीज़ होना तो इसमें मस्ट है। अब हम थोड़ा हीट को कम कर लेंगे क्योंकि ये थिक होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हनी। हनी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जितना हमने इसमें हनी डाला है उतना ही आप इसमें शुगर ऐड कर लें, अगर आपको हनी नहीं डालना है तो। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। थोड़ा हम इसे अब हीट को बढ़ा लेंगे और लगातार हम स्टर करते रहेंगे इसे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सकें। मेज़रमेंट्स आपको मेरे वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए, हमारी सॉस गाढ़ी होने लगी है। थोड़ा ये रखकर भी गाढ़ी होगी। इसे लगभग हम 1 मिनट तक और कुक करेंगे। हमें इस सॉस को इस कंसिस्टेंसी तक कुक करना है, फिर हम हीट को ऑफ कर देंगे। वाइट सॉस हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर विनेगर मिला लेंगे। अगर हम गरम सॉस में विनेगर मिलाएंगे तो दूध और जो मलाई है वो फट जाएगा। चलिए अब हम पास्ता रेडी कर लेते हैं। हम कढ़ाई के अंदर बटर डालेंगे। इसको थोड़ा मेल्ट करने देंगे। इसमें डाल देंगे हम अनियन। अच्छे से स्टर करेंगे। साथ ही हम डालेंगे इसके जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट से पास्ता का फ्लेवर एनहांस हो जाता है, क्योंकि ये इटालियन कुजीन से, इसलिए वो लोग हर चीज़ में जिंजर गार्लिक पेस्ट या गार्लिक यूज़ करते हैं। इसको लाइट पिंक होने तक हम कुक करेंगे। अनियन लाइट पिंक हो चुके हैं। अब हम इसके साथ डाल देंगे कैप्सिकम। इसे भी हम हल्का सा कुक कर लेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे।
हम डालेंगे साथ में सॉल्ट, सॉल्ट से ये एकदम गल जाएगा। अब डालेंगे हम इसके अंदर ओरिगैनो, मिक्स्ड हर्ब डाल देंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे भी लगभग हम 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। हमें कैप्सिकम्स को कुक करते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। साथ ही हम डालेंगे इसमें स्वीट कॉर्न्स। स्वीट कॉर्न्स टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम हीट को बिल्कुल स्लो कर देंगे। हम इसके साथ डालेंगे चीज़, प्रोसेस चीज़ है ये। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे वाइट सॉस जो हमने अभी बनाई थी। देखिए ठंडी होने के बाद ये कितनी थिक हो गई है। आप वाइट सॉस को बनाकर 1-2 दिन फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अब हम इसके अंदर डालेंगे पास्ता। अच्छे से पास्ता को हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनकर। ये सॉस के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है, बनकर तैयार है हमारा वाइट सॉस पास्ता। अब आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।